Children, my name is Sarika. Welcome to James International School. Today I'll explain again, once more, writing Hindi word in English. हिंदी के सवाल को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? तो आज का डेट है 6/1/21, ओके? क्लास वर्ड. तो अ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए. आ को क्या कहते हैं? डबल ए. ई ई को क्या कहते हैं? आई. इंग्लिश में क्या बोलते हैं ई को? आई. बड़ी ई को क्या बोलते हैं? डबल ई. ऊ का मतलब यू. बड़ी ऊ का मतलब क्या होता है? डबल ओ. उससे उल्लू, उसे ऊन होता है ना, उसको डबल ओ. री से ऋषि. ऋषि को कुछ नहीं, रू होता है. री से ऋषि का रू होता है, आर यू रू. ए से ई. ए से एडी तो ई आएगा. ऐसे ऐनक तो ए आई आएगा. ओ से ओखली तो क्या आएगा? ओ. औ से औरत, ए यू. औ को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? स्पेलिंग्स ए यू. अंग ए एम या ए एन. अम अह ए एच ए अह. ए एच ए अह, ठीक है? अ मतलब ए, आ मतलब डबल ए, ई मतलब आई, बड़ी मतलब डबल ई, ऊ मतलब यू, बड़ी ऊ मतलब डबल ओ. ऋषि रू. ए मतलब ई, ए मतलब ए आई, ओ मतलब ओ. औ का मतलब होता है एज यू. अम का स्पेलिंग होगा ए एम और ए एन. अम हो जाएगा ए एच ए अम. आह, ठीक है? अब हम करेंगे व्यंजन. व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट. स्वर मतलब वॉवल्स, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट. तो क का क्या स्पेलिंग होगा? के ए क. ख खरगोश का क्या होगा? के एच ए ख. ग जी ए ग. घ जी एच ए घ. च च चम्मच का चे सी एच ए च. छ छतरी का छ का क्या आएगा? सी एच एच ए छ. सी डबल एच ए छ. ज जी ए ज. झ झरना का झ तो जे एच ए झ. ट ट से टम टम टी ए ट. ठ ठटेरे का ठ तो टी एच ए थ. ड डी ए ड. और ढ ढक्कन का ढ डी एच ए ढ. अण अण में क्या आएगा? एन ए न. त से तबला टी ए त. थ से थर्मस टी एच ए थ, ठीक है? द डी ए द दरवाजा. ध से धनुष डी एच ए ध. न एन ए न. न से नल. प पी ए प. प से क्या आएगा? पतंग. फ एफ ए फ. फ से फल. ब बी ए ब. ब से बदक. बी से भ. भ से बी एच ए भ. भ से भगत या तो भटजी. म म से मगर एम ए म. य वाई ए य. य से य. यज्ञ. र आर ए र. र से रथ. ल ल से लड्डू एल ए ल. ल से लड्डू. व व से वकील वी ए व. श श से क्या होता है? शरबत होता है. एस एच ए श. शरबत भी होता है, शलगम भी होता है, ठीक है? अभी श श से षटकोण. एस एच ए श. श से षटकोण. स स से सर्कस. एस ए स. स से सर्कस. ह एच ए ह. ह से हरण. ह से क्या होता है? हरण. श श से क्षत्रिय. के एस एच ए श. श से क्षत्रिय. ज्ञ ज्ञ से ज्ञानी. जी एन ए ज्ञ. ज्ञ से ज्ञानी. त टी आर ए त. त से त्रिशूल. टी आर ए त. त से त्रिशूल, ठीक है? फिर एक बार मैं रिपीट करती हूँ. क से के ए क कमल. ख से खरगोश. के एच ए ख. ग का ग से गमला. जी ए ग. घ से घर. जी एच ए घ. च से चम्मच. सी एच ए च. छ से छतरी. सी डबल एच ए छ. ज से जहाज. जे ए ज. झ से झरना. जे एच ए झ. ट से टम टम. टी ए ट. ठ से ठटेरा. टी एच ए ठ.
ड से डमरू, डी ए ड, ड से ढोल या तो ढक्कन, डी एच ए ढ, न से फण, एन ए न, त से तबला, टी ए त, थ से थर्मस, टी एच ए थ, द से दरवाजा, डी ए द, ध से धनुष, डी एच ए ध, न से नल, एन ए न, प से पतंग, पी ए प, फ से एफ ए फ, ब से बदक, बी ए ब, भ से भच्ची, भालू, बी एच ए भ, म से मगर, एम ए म, मगर भी होता है और मछली भी, य से यज्ञ, वाई ए य, र से रथ, आर ए र, ल से लड्डू, एल ए ल, व से वकील, वी ए व, श से शलगम, एस एच ए श, शलगम और शरबत, शहनाई, श से षटकोण, एस एच ए श, स से सर्कस, एस ए स, ह से हरण, एच ए ह, हरण भी होता है और हल भी होता है, श से क्षत्रिय, के एस एच ए श से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, जी एन ए ज्ञ, त्र से त्रिशूल, टी आर ए त्रिशूल, त्र, टी आर ए त्र, त्र मतलब त्रिशूल। ठीक है, अब ये मैंने पूरा आपको रिपीट करवाया, एक्सप्लेन करवाया, तो आप ये लर्न करो क्योंकि यही वर्ड्स आपको एग्जाम में पूछेंगे अभी 20 मार्क्स के पेपर्स में। ओके, तो आप ये वोवल्स और स्वर दोनों पढ़ते रहो, स्पेलिंग। ओके, अब नेक्स्ट पेज। खाली जगहों में छुटा हुआ वर्ण मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। अब इसका मिसिंग लेटर्स बनाना है हमको, मिसिंग लेटर्स, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द ब्लैंक एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब मिसिंग लेटर यूज करने से क्या हो जाएगा, उसका वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्या है, बकरी, ब डैश री, तो इस दोनों में से क्या ढूंढना है हमको, क या फ, कौन सा इसमें आएगा, क, बकरी। नंबर टू, बत डैश, बतख, बतख। थ्री, भगत, क्या आएगा इसमें, ग, भगत। ये आपको चूज करना है, ये दोनों वर्ड से चूज करके इसमें जॉय करना है आपको और फुल वर्ड बनाना है। ओके, लेटर बनाना है। भजन, अभी भजन है ना, भजन कंप्लीट हो गया ना लेटर। अब प डैश डी, पगड़ी, पगड़ी। गर्दन, गर्दन। कलश, कलश, कलश। बटन, ब, इसमें क्रैकेट में क्या है, ट, तो इधर लिखे हो गया आप ट, बटन। मटर, अब देखो यहाँ पे ट है ना, मटर। लड़की, ल ड, ये वाला ड यूज करना है आपको, ड की, लड़की। नगर, अभी पहला वर्ड क्या है, मिसिंग है, तो इसमें क्या आ जाएगा, न, नगर ऐसे। अब शिक्षक, तो इसमें क्या मिसिंग है, श, शत्रु का श है ना, वो ज्वाइन करने से क्या हो जाएगा, आपको वर्ड मिल जाएगा शिक्षक। अभी दी डैश क, दीपक, ठीक है, दीपक मतलब दिया। वजन, देखो अभी व, इसमें ज करने से क्या होगा, लिखने से क्या हो गया, वजन। फसल, अब इसमें क्या आपने यूज किया, फ, फ यूज करने से क्या हो गया, फसल वर्ड हो गया। अभी घी डैश हरी, घी, इसमें दोनों में से क्या यूज कर गया, ल, घी लहरी, घी लहरी यूज करो, तो कंप्लीट वर्ड हो गया। ठीक है, फिर एक बार वर्ड में तो आपको बोलती हूँ, आप सुनो। पहला आएगा बकरी, बतख, भगत, भजन, पगड़ी, गर्दन, कलश, बटन, मटर, लड़की, नगर, शिक्षक, दीपक, वजन, फसल और गिलहरी। ठीक है ना, आ गया आपको, फिर एक बार रिपीट करती हूँ। पहले वर्ड क्या है, बकरी, बतख, भगत, भजन, पगड़ी, गर्दन, गर्दन, कलश, बटन, मटर, लड़की, नगर, शिक्षक, दीपक,
वजन, वजन, फसल और गिलहरी। ठीक है, तो आपको कंप्लीट करना आज। मिसिंग लेटर्स इन होमवर्क। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।